करना तो हमें ही पड़ेगा, ये तो घूंघटे पीछे है। आप ये छोड़ देते, हम लोगों पे छोड़ देते, काम तो हमें करना है। पर मुझे बड़ी खुशी है आप लोग सबको बताते हुए कि 6 महीने के अंदर वो घूंघट खुले होते हैं। मुझे बड़ी खुशी है आपको ये बताते हुए कि 6 महीने हमने उन्हें अपना कार्यभार संभाला, अपना दस्तखत करना शुरू किया और अपने घर के बाहर कहा कि भैया जी 17 के अंदर किया था, 2017 के अंदर 25 के बाद में। तो हमने कहा ये तो फिर लोगों ने इतने डरे हुए थे हम बकराना किया कि आज 2025 तक उस कोई भी काम में विकास के लिए पैसा खर्च नहीं कर रहा था, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा था कि 25 के बाद हमारे पास इतना रहेगी नहीं रहेगी। हमारी मकराना की कार एक बार गिर जाती है उसके बाद उसको निकालने मड़वा निकालने जरूरत थी, 3 साल लग जाते, तो करोड़ रुपए खर्चा होते हैं। खर्चे होने के बाद क्या लिया, मैंने मुख्यमंत्री जी को बोला, हमारे खान मंत्री परमोदीन बैस जी को बोला, तो इन दोनों ने एक ही बात की क्या जाकिर भाई ये आपके अलावा दूसरा बोर्ड नहीं रहा है, और भी एमएलए कांग्रेस के हैं जहां करण क्षेत्र होता है। मेरे साथ हमारा ये खेती है 100 किलोमीटर के आसपास के मजदूर मकर से निर्भर है, ये उसी से खाना खाते कमाते हैं। हम आके मारून खा गए, आके मारून को पॉलिसी पढ़ेंगे एक परिवार फायदा नहीं होगी। हमारा तो हमें तो मजदूर है, हमें ठेकेदार है, और 100 किलोमीटर के लोगों का आना जाना ये रहेगा। तो इसको सब देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने ये 2030 का विजन लिया ना, तो कम लोग 2040 तक लीला भी रोक दी मुख्यमंत्री जी ने, उल्टा ये मिशन 30-40 मुख्यमंत्री जी ने ई लीलामी का कर दिया। 2040 तक हमारी मकराना की या अन्य खाने ई लीलामी, ई लीला वही होती जो राशन डाली है, जिस तरह 850 खाने मकराने की है, 4-5 हजार खाने हमारी यहाँ पे जोधपुर में बिचोलिया के अंदर है, काटू के अंदर है, तो ये सारी सारी ये ईला हो जाती है। ये पुरानी खाने इसे इमारत बनती है, एक अपने आप के अंदर एक पहचान है। तो ये मारून में मुख्यमंत्री जी ने बहुत किया। दूसरा काम कानों का चौड़ान का भी एक हमारी मांग थी, तो मुख्यमंत्री जी मैंने कहा साहब हमारी जो खाने जब शुरू में स्टार्ट की थी हमने, तो नीचे पता नहीं खदान आटी जा रही है, तो 90 डिग्री के हिसाब से कानों का चौड़ान सोपुड़े से हो गया जैसे सबोल, और अब आपको खनन करते थे सोपुर का पेट में मार्बल है, अब वो मार्बल आटा जा रहा है दूसरे हिस्से में, ये सरकारी भूमि में 60 डिग्री के अंदर जा रहा है, खनन तो मतलब सोपुर का ही हो रहा है, अब वो आटा जाते जाते उसको ऊपर का मलबा होता है आगे पीछे हमारी भाषा में उसका मौत हो जाता है 200 फुट, तो कोई भी मानी विभाग वाला अधिकारी जिस तरह ट्रैफिक में ट्रैफिक वाला गाड़ी रोकता था, ब्रेक लाइट थी, चलान कैसे करो, तो इस तरह से बहुत सारी वो होता था कि आओ अवैध खनन कर लो, सिर्फ अवैध खनन नहीं है वो खनन ही है, वो मार्बल वही निकाला जो सीकर क्षेत्र है, अंदर से आटा पार होने की वजह से उसको लेके समस्या थी। इसको लेके मुख्यमंत्री जी ने कानों का चौड़ा बनाने का भी आदेश दे दिया ताकि कान सुरक्षित भी रहे, चाहे एक्सीडेंट के अंदर कुछ हो जाए तो वो अपना प्लानिंग करके उसको मौत खोल सके माइंस का। तीसरा एक मोटेशन का मामला, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा हमारी खाने जोधपुर दरबार की दीवी थी, और जोधपुर दरबार से उनके अब जिस तरह से जोधपुर दरबार ने खाने 150 साल स्वर्पित थी, तो मेरे 4 पीढ़ी के मेरे खाने थी, अब जो पहले दादा पीढ़ी थी औलाद सिलसिला बनाते ना औलाद होते होते अब उसमें से कोई की मृत्यु हो जाती थी, तो मृत्यु होने में 3 महीने का टाइम था, इतने दिन के अंदर आप एडमिशन लगे 3 महीने तक इस तरह से, तो मैंने खान मंत्री से मुख्यमंत्री जी कहा बस हमारे माइनोरिटीज में कुछ खाने महिला के नाम भी लाइसेंस है, और हमारे जो मुसलमानों में किसी की मर्जी हो जाती है उसके हस्बैंड की, तो 4 महीने विदेश के लिए निकाल के हम किसी को महिला चेहरा नहीं दिखाती है अपने मतलब दूसरे मर्द को, तो इस स्थिति में ना तो माइनिंग ऑफिस जा सकती है ना कोई विभाग में ना कुछ लिखा पड़ी जा सकती स्टाम वगैरह, तो ये सब सरलीकरण करने के लिए, तो इसको लेके हमारी 850 300 करने मतलब बहुत ही डिफिकल्ट मतलब उसमें टेक्निक के साथ से उसमें फाइलों में कमी आ गई थी, तो उसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने और खान मंत्री जी ने इसका भी सरलीकरण कर दिया, मोटेशन को मतलब इसको नियम को सरलीकरण करके 6 महीने टाइम दे दिया, जो पूर्ण फाइलें जो 300 थी उसमें 500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से फाइन लगा के वो अपनी काम को रेगुलराइज करा के स्टार्ट कर सकता है।
आपने भी चर्चा की मकराना की, नीलामी से मकराना के पत्थर निकालने की तमाम बातें कही, लेकिन जो मजदूर इस काम में लगे हुए हैं, श्री कोशिश जैसी बीमारियां हो जाती है उनके वेलफेयर के लिए क्या है? तो मकराना में सिर्फ बीमारी होती है, मकराना मार्बल कैल्शियम है उसमें ज्यादा। हमारे मकराना में दो तरीके के मजदूर है, जैसे 20,000 मजदूर तो प्राचीन काम करते हैं मंदिरों का गढ़वा काम जिसे कहते हैं, और 20-25,000 मजदूर खनन से काम करते हैं। तो सिलिकोसिस बीमारी ये जो रेड स्टोन है ना उसमें होती है, मकड़ा कैल्शियम में हमारे मजदूर खदान से जुड़ा हुआ सवाल है, खदान है कैल्शियम में कोई भी हो कैल्शियम है एक बात है। दूसरी बात इसकी पूरे राजस्थान में कांडे है, मकड़ा में हमारे कान एसोसिएशन बढ़ी गलत बेच ली, किसी मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो हमने इंश्योरेंस सिस्टम प्रयोग कर रखा है 15-20 लाख रुपए। हम क्या करते हैं, जैसे एक एसोसिएशन है सपोज उसमें 300 आदमी सदस्य बन गए तो उसको हर साल 20-25,000 रुपए मजदूरों के रिफंड के लिए हम इंश्योरेंस आदि से जमा करते हैं, उनको फंड इकट्ठा हो जाता है। जब किसी मजदूर की दुर्घटना हो जाती है सरकार का लाभ इंश्योरेंस का चिरंजीवी का कोई गलत बात है, हम कान धारक एसोसिएशन के थ्रू 15-20 लाख रुपए जिसकी मृत्यु जाती है ताकि उसके परिवार वालों को उसमें मदद मिले। ये पहला एक क्षेत्र है मकड़ा, उसमें हम लोग उसकी पॉलिसी बढ़ा रखी है मजदूरों के लिए भी। एक आपकी बड़ी लंबी सरकार से मांग थी और सरकार ने मानी भी, पत्थर कला बोर्ड बनाने की आपकी मांग, पत्थर कला बोर्ड। हाँ सही कह रहे हो, जब मैं एमएलए था ना तो मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी, जिस तरह से माटी कला बोर्ड आपने बीजेपी ने बना रखा, जिसमें स्वर्गीय हरीश कुमार जी को चेयरमैन बना था, तो मैंने कहा राजस्थान में सबसे बड़ा उद्योग है तो मार्बल का, तो मैंने मुख्यमंत्री जी कहा था साहब आप पत्थर कला बोर्ड भी आप घोषित करो, तो उस टाइम तो मांग पूरी नहीं हुई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी इसी कार्यकाल के अंदर श्रमिक एवं काम विकास बोर्ड की गठन किया है, और वो उसके अंदर कम से कम ये सबसे बड़ा अमेरिका से बोर्ड होगा, क्योंकि इसके अंदर 4-5 प्रिंसिपल सेक्रेटरी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, श्रमिक विभाग का होगा, कान का होगा, चिकित्सा का भी होगा, जो जो मजदूर से जुड़ा हुआ मामला है थानों से जुड़ा, माइल डायरेक्टर का, इन सबका सबसे बड़ा यही बोर्ड है जिसमें ज्यादा उच्च अधिकारी इससे जुड़े रहेंगे मीटिंग के अंदर। तो ये भी मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांग, ये लकी मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी ने, हर वर्ग की मांग रखी है, तेजा जी बोर्ड हमारे यहाँ खोल दिया, बोर्ड खोल दिया जो करनाल के अंदर पूरे विश्व में तेजा जी का मंदिर हमारे करनाल में लोक देवता का, उसका मुख्यमंत्री जी तेजा जी बोर्ड बनाया, उससे चालू होकर हर वर्ग हर समाज के बोर्ड मुख्यमंत्री जी ने खोल दिए, हर विकास के बोर्ड खोल दिए, मतलब जो जो मांगा आम आदमी ने, अभी यहाँ कोई समाज में कोई मांग लिया मुख्यमंत्री कोई घोड़ा कर सकते, अभी मतलब उनका एक ही है, मतलब अब की बार चौथी बार अशोक जी सरकार, अशोक गहलोत जी सरकार, इसी तरह सरकार रिपीट करनी है तो 2 साल कोरोना कार्यकाल के अंदर काम लिए उससे ज्यादा काम करके मुख्यमंत्री जी ने साबित किए राजस्थान के अंदर। एक क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए पर्यटन का भी बहुत बड़ा हिस्सा रहता है, कि पर्यटन की दृष्टि से इस क्षेत्र में खासतौर से कुदामन गेट वाला देख सकते हैं या नागौर वाला हिस्सा देख सकते हैं या आपकी पूरा लोकसभा क्षेत्र और पाटन विधानसभा क्षेत्र, क्या लगता है कि सरकार को क्या ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए जिससे यहाँ, क्योंकि नागौर बहुत पुराना शहर है, मतलब ये अस्तित्व में जो प्रमाण मिलते हैं वो 7वीं-8वीं सदी के भी यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाना चाहिए? जो पर्यटन यहाँ नागौर में क्यूसर में आप देखते विदेशी पर्यटन खूब आते हैं, नावा के अंदर आते हैं जहाँ नमक का उत्पाद है उसको देखने आते हैं, मकराना के अंदर मार्बल किस तरह से निकल रहा है, किस तरह से खनन हो रहा है, किस तरह से मूर्तियां बढ़ रही है वो भी देखने आते हैं, डीडवाड़ा के अंदर भी मतलब बहुत बड़ी पुरानी सिटी है यहाँ पे भी आते हैं। तो अब जिला बड़ा है तो इसका भी जिस तरह से लोगों की मांग डिमांड रहेगी तो पर्यटक का भी इसको प्राथमिकता रही है, और भी मुख्यमंत्री जी को विजन 2030 के अंदर इसको हम जुड़ेंगे। आपने क्या प्राथमिकताएं दी मिशन 2030 के दौरान? हमारी तो प्राथमिकता यही है, जो भी मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे
वो जो वैसे तो कोई बाकी राय नहीं है, वो सीधी वो क्योंकि मुख्यमंत्री सामने से एक ये खुद सामने से ले रहे हैं किस तरह मैनोफेस्टो के अंदर आपकी बातें रखे आगे बढ़ाने के लिए। अब ये जो अलग अलग विधानसभा जो हो गई है उसके अंदर और विकास का पैसा है और काम हो ताकि लोगों में एक मैसेज आए। तो आने वाले समय में पर्यटन की दृष्टि से देखें तो यहाँ कुछ मिलने की उम्मीद रखें या आपने 2030 मिशन के दौरान कुछ ऐसे सुझाव दिए हैं? बिल्कुल, हम पर्यटन को डिमांड करेंगे या फिर पर्यटन घोषणा की है जिस तरह बगाड़ा हेरिटेज शहर घोषित हुआ है वो अपने आप के अंदर एक केंद्र सरकार से या जो सिस्टम से हो वैसे तो सारी घोषणा सकती है इस तरह से होगा। आपने कितने प्रयास किए 2030 को लेकर, क्योंकि तमाम लगभग 14 ऐसे विभाग थे जिनके 55 जो तरह के मतलब 14 तरह के जो इश्यूज थे उनको 55 विभागों में बांटा गया था मिशन 2030 में। आपने ऐसी कौन कौन सी जैसे हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन है, एनर्जी है, किन सेक्टर में आपके यहाँ के सुझाव सबसे ज्यादा है? क्योंकि बड़े तौर पर जो सोलर एनर्जी का जो प्रपोजल है यहाँ का बहुत बड़ा है क्योंकि पास में लगती हुई सांभर जो झील है उसमें भी एक बहुत बड़ा प्रस्ताव तैयार किया जाए कि यहाँ पे सोलर का डेवलपमेंट किया जाए, सोलर एनर्जी मिले, आपने क्या प्रस्ताव दिया? हमारा सभी जिले हर विभाग से प्रयास है बिजली का भी मतलब ज्यादा ज्यादा जीएसएस को ले या लोगों में बिजली हुए आने जाने के साधन बढ़े, ट्रेनों का साधन बढ़े, हमारे बसों का साधन बढ़े एक दूसरे आने जाने के अंदर, और युवाओं को किस तरह से उनको उत्साहित किया जाए मतलब उनकी मांग पूरी की जाए ताकि उनको रोजगार मिले, नौकरियां मिले। अभी मुख्यमंत्री जी ने हर विभाग से नौकरी भी खोल रखी है जिससे बड़े तौर पर जिस जगह हम बैठे हैं कुचामन डीडवाना में, कुचामन एक तरह से एजुकेशन हब के रूप में भी डेवलप हो रहा है, जिस तरह से शिखर हुआ अब कुचामन भी आ रहा है। तो शिक्षा के में तो बहुत नागौर अग्नि है, कुचौर में बहुत सारे प्राइवेट एजेंसियां स्कूल कॉलेज खुल रही है, इस तरह से हर जगह हर विधानसभा में हम मांग रखेंगे जो जो हमारे सामने बात आएगी उसकी मांग रखेंगे। तो गैसाल साहब, आपने पूरे नागौर क्षेत्र और खासतौर से डीडवाना और मकराना और अलग अलग जिलों के अलग अलग जो आपके विधानसभा क्षेत्रों की चर्चा की, आप न्यूज 18 राजस्थान के मंच में भी शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन में आप सभी राजस्थान के विकास